नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। तो आज एक बार फिर से पॉल्यूशन की बात की जाए दिल्ली में, तो बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा है। और इसीलिए अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही है। और अब जो दिल्ली सरकार है, हरियाणा सरकार है, यूपी सरकार है, देखिए तमाम फैसले प्रदूषण से बचने के लिए लेती नजर आ रही हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यूपी में मुजफ्फरनगर में आदेश दे दिया गया है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर खट्टर सरकार ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करने की बात कह रही है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हवा कितनी बेहद खराब हो चुकी है दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सावधान आपको भी रहना है, क्योंकि देखिए सरकार काम कर रही है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जरूरी हमें ये है कि हमें भी बचकर रहें हम, और हमें भी सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए देखिए बार बार ये अपील भी लोगों से की जा रही है कि अगर जरूरी नहीं है, जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनको घरों से बाहर ना निकालें। क्योंकि अगर आज की बात की जाए दिल्ली एनसीआर में, आज भी AQI जो है वो 362 है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में ये AQI आता है। और इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फटकार राज्य सरकारों को लगा रहा है कि क्यों आप अब तक फैसला कोई नहीं ले रहा है, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। क्योंकि बार बार देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो राज्य सरकारें कह देती हैं कि पराली जलने की वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जरूरी नहीं है, सिर्फ पराली को आप दोष नहीं दे सकते। अगर बैन के बाद भी पटाखे इतने क्यों चले दिल्ली एनसीआर में, ये सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि पटाखे जो है वो बहुत ज्यादा चले। और ऐसे में देखिए अभी भी अगर सुबह की बात की जाए, जो लोग घरों से सुबह ऑफिस निकलते हैं उनको पता है कितना प्रदूषण होता है, कितनी धुंध नजर आती है घर से निकलते वक्त। क्योंकि ठंड तो उग चुकी है, तापमान में गिरावट तो आ चुकी है, लेकिन धुंध जो है वो कोहरा नहीं, वो स्मॉग है, वो स्मॉग ये प्रदूषण है और ये हमारे लिए बेहद जानलेवा है। इसीलिए आप जो है बिल्कुल बेहद सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बच के रहिए, मास्क लगा के रखिए और अपना और अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखिए।